बस किधर रुकेगी नहीं बीच में, होगा होगा सब होगा, बहुत सारे ऑप्शन है पैबी के जैसे। पानी नहीं मिलेगा। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, मैं हूँ संजीत और हमारा चैनल मुमसाफिर। सो आज एक और सफर पे निकल पड़े हैं, 7:10 हो गए, 8:55 की ट्रेन है मुंबई सेंट्रल से। अभी यहाँ पे विनायक के घर पे हूँ मैं और हम लोग काफ़ी लेट हो चुके हैं, बहुत मतलब बहुत। वो देखो अभी तक वहाँ पे वो पैकिंग नहीं कर रहे हैं, मास्क भी पहन रहे हैं। यहाँ पे अपनी बाइक पा गए और मेरी बाइक किंग किधर गई? वो देखो उधर है, वो देखो वही है ना, फेंक दिए देखो गाइस इसकी गाड़ी। बिल्डिंग वालों ने एकदम कचरे में लेके जाके फेंक दिया है, बट अभी ये गाड़ी नहीं, ये एम्बुलेंस है हमारी। चलो लाल बत्ती लगाओ इसके ऊपर, चलो। फाइनली जैसे कि हमें अपनी स्कूटी मिल गई, यानी कि एम्बुलेंस, तो इस एम्बुलेंस को लेके चलते हैं, 1 घंटा बचा है। अरे उड़न खटोला, चलो चलो। ये हमारा एम्बुलेंस स्टार्ट नहीं हो रहा है, जल्दी हो गया एम्बुलेंस की बत्ती जल गई। चलो छोड़ दो अभी, कॉफ छोड़ दो। चलो और जय श्री गणेश। चलो श्री गणेश भी हो गया, निकल गए, सफर शुरू। जैसे तैसे हम लोग इतना भगा भगा के इस एम्बुलेंस को हम लोग आए ट्रैफिक में से, और पीछे देखो हमारी ट्रेन खड़ी है और ये मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन है, तो फटाफट जाते वरना ट्रेन चली जाएगी। टाइम हो रहा है 7:57, ये फटाफट से निकलते हैं बाहर। तो हम लोग ने अभी इलेक्ट्रिक ऑटो ली है स्टेशन से टेंपल तक के लिए। नहाना धोना हो गया, कपड़े चेंज हो गए, चाय। यहाँ पे ये होटल है हरिओम पैलेस, यहाँ पे आप 100 रुपीज़ में नहा सकते हैं। ये 12 ज्योतिर्लिंग, ये थे 12 ज्योतिर्लिंग। जा रहे हो ओमकारेश्वर का प्लान ड्रॉप हो चुका है, बस हमने बुक कराई है बिकॉज मुंबई के लिए यहाँ से ट्रेन बहुत कम है और बसेस भी अवेलेबल नहीं थी, सिर्फ 2 सीट अवेलेबल थी, वो हमने तुरंत बुक करा ली बिकॉज बिल्कुल भी बॉडी साथ नहीं दे रही है। तो चलते हैं बस की तरफ और देखते हैं।
तो गाइस ये रही हमारी बस। ये मेरा फर्स्ट टाइम है ये लग्जरी बस में, ऐसा फील नहीं हो रहा है कि ये बस है, ऐसा लग रहा है कैंपिंग कर रहे हैं हम लोग इधर। बॉनफायर की कमी, बॉनफायर की कमी है, हिलता डुलता कैंप। कल बज रहे हैं रात के 11, बहुत सोया, एसी इतना टाइट कि मेरा गला बैठ चुका है। और अभी 15 मिनट का बस ज़्यादा बड़ा हॉल्ट नहीं दिया है ड्राइवर ने, 15 मिनट का हॉल्ट दिया है कि आपको जो भी करना है 15 मिनट में कर लो, पार्सल ले लो और बैठ के बस में खाओ। ये है हमारी बस, ये मर्सिडीज वाली नहीं, उसके बाजू में जो खड़ी है वो। हमेशा की तरह एज यूजुअल, मतलब मेरा कोई दाल खिचड़ी और ये पनीर वाला, पनीर और क्या बटर रोटी, बटर पनीर क्या मसाला पनीर। जब भी आएगा तो भी भूख लगेगी तो फिर एंट्री वाइल्ड कार्ड। ये याद रखना बस किधर रुकेगी नहीं बीच में, होगा होगा सब होगा, बहुत सारे ऑप्शन है पावी के जैसे। पानी नहीं मिलेगा। Hey, yo, come look at this. ये मेरा ऑर्डर, मेरा यानी क्या। Hey, come look at this. बज रहे हैं सुबह के 6:30 और हम लोग अभी पहुँचे हैं कसारा में, एक घाट के यहाँ पे एक होटल है, कसारा है ना ये, कसारा में एक घाट के यहाँ पे एक होटल है। और ये कोइंसिडेंस है, मतलब हर बार है ना, हर बार फर्स्ट टाइम मैं गया था त्रिम्बकेश्वर, तभी जाते जाते हम लोग यहाँ पे रुके थे नाश्ता करने, उसके बाद में जब भीमा शंकर से रिटर्न आ रहा था तभी हम लोग यहाँ पे रुके थे, खाना खाए थे यहाँ पे रात को भीमा शंकर से हम लोग सब लोग। और उसके बाद में अभी बस वाले ने लाके भी इसी होटल में रुका है। ये होटल क्या है पता नहीं, कुछ तो झोल है, आकर्षित कर रहे हैं लोगों को इधर आने पे। सो गाइस अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं, कुछ 30 मिनट समथिंग बचे हैं तो पैकिंग कर लेते हैं फटाफट और उतरने की तैयारी करते हैं। अरोली का जो हाईवे वहाँ पर उतरे सिग्नल पे, और यहाँ से हम लोग जा रहे थे राय के घर पर।